डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर, तो हमारा जो पिछली वीडियो थी तो एटम, फिर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अंतर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये सब चीज बताया था, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था। तो अब हमें क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ये हमारे एलिमेंट दे रखे हैं, क्लोरीन दे रखा है, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सब की वैलेंसी निकाल ली है। तो देखो, हम सबसे पहले जो हेडिंग है वैलेंसी, वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, ठीक है, कि एटम जो होता है कितने किस प्रकार से कंबाइन होता है उसको बोलते हम वैलेंसी। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट या फिल द आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। कि कोई भी जो हमारे एटम है उसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो उसकी जो लास्ट सेल होती है जिसको हम आउटरमोस्ट सेल बोलते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है हमें, या तो हम इलेक्ट्रॉन लूज करके कंप्लीट करते हैं उसकी वैलेंसी, सॉरी उसको कंप्लीट करते हैं, या फिर हम गेन करते हैं तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि क्लोरीन की करनी है, तो क्लोरीन सिंबल क्या है, Cl, एटोमिक नंबर कितना है 17। तो ये हमारा एटोमिक नंबर है, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन क्या आई हमारे। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 7। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि K में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में ज्यादा से ज्यादा 8 आते हैं, M में ज्यादा से ज्यादा 18 आते हैं, बट हमारा 20 तक का एटोमिक नंबर होता है तो हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये हमारे इसमें आगे के मारे 2, एल मारे 8, बच गए हमारे 7, ये हमने एम सेल भर दी। तो एम सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको पूरा करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो इसको 8 माइनस 7, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 1, ठीक है। सल्फर, सल्फर का एस सिंबल 16 एटम नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किया हमने 2, 8, 6। तो अब हमें कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है इसमें, तो 2, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2। ऐसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटम नंबर 12 है, K में 2, L में 8, M में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैंने बताया कि जो हमारे आउटर मोस्ट सेल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए, भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़े या देने पड़ते उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो अब देखो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है भरने के लिए, बट इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं है, तो ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब हमारे इधर क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, कोई हमारा एटम है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8 और उसके अंदर प्रोटॉन भी 8 है, तो देन फाइंड, तब हमें बताना है, फर्स्ट में पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, दूसरा मास नंबर क्या है उस एटम का, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है उस एटम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कितने, 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 8। ये पहले कह रहा है कि इसको ये एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो हमने वो दिखा दिया। तो जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर जितना हमें दे रखा है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं जैसे 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8, या अगर हमें प्रोटॉन दे रखे हैं 8 तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया उसका 8। दूसरा मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमारा क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 एटम नंबर है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब मैंने बताया कि 8 एटम नंबर है इसका, 8 एटम नंबर है, तो अब 8 को हमें के एल सेल में भरना है, ठीक है। के में कितना आ गया 2, एल में कितना आ गया हमारे 6, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अगर हम इसमें वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ रही है हमें, 2 की, तो वैलेंसी 2 की। और एक चीज और ध्यान से लो कि जो हमारी लास्ट सेल होती है उसके आधार पर ही हमारा जो एलिमेंट होता है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता है।
अगर आउटर मोस्ट सेल में एक से तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, मेटल हो जाएगा। अगर चार से ज्यादा है तो नॉन मेटल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ चार से ज्यादा है, छह इलेक्ट्रॉन तो ये नॉन मेटल है। वैसे आठ किसका एटम नंबर है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या हमारा गैस है, नॉन मेटल है। तो इसी के साथ थैंक यू। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको स्वयं करना होता है, ठीक है।